देखिए अगर रिफाइंड के ऑयल बढ़े हुए हैं, मेरे सारथी मेरे को बता रहे हैं कि मेरे रिफाइंड के ऑयल बढ़े हुए हैं तो बढ़े हुए, गैस बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई है। लेकिन आप ये भी देखें, मैं अभी मेरठ से वापस आया, एलिवेटेड रोड है, मैं आशा करता हूँ कि हम सबने उस रोड पे सफर किया हो कभी, उसको बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? अगर हम सब्सिडी देंगे अच्छा, तो किधर से सड़क बनेगी? आप रोड टैक्स नहीं लेते? एक घंटे में मैं गाड़ी खरीदता हूँ, मैं गाड़ी खरीदता हूँ उसका टैक्स नहीं लेते आप? लेते हैं ना, टोल टैक्स भी तो ले रहे हैं। और टोल टैक्स सर लगता है वो क्या लगता है, फ्री में लगता है सर, है ना सर? टोल टैक्स देखिए तो ये एक चीज से गाड़ी का जो रोड टैक्स है, रोड टैक्स केवल रोड टैक्स से, उस हिसाब से तो फिर जो गाड़ियां रोड टैक्स देती हैं उन गाड़ियों पे, ओके उन सर डिस्कशन भटक रहे हैं। तो पेट्रोल पे भी टैक्स लेते हैं ना, पेट्रोल और डीजल पे भी तो टैक्स है, 30% कितना है? टैक्स लिया जा रहा है सर, पर किलोमीटर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जा रहे हैं। टैक्स तो सर गरीब भी देता है और अमीर भी देता है, है ना सर? तो खैर ये कोई जवाब नहीं है सर, ये कोई जवाब नहीं है। ओके एके मिश्रा जी, आपके लिए मैसेज आ गया, बोले थैंक यू सो मच एके मिश्रा जी, हम आपको इसी रूप में देखना चाहते हैं। खैर अब मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको क्या दिलाता हूँ, आने वाले एक हफ्ते में ये नीचे आएगा ही आएगा, एक हफ्ते में नीचे आएगा, एक हफ्ते में सर नीचे आ जाएगा। चावला जी पीछे पॉलिसी चल रही है ना, थोड़ा संवाद करने दीजिए। अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं। देखिए आपने सवाल बड़े जेन्यून पूछे थे और वैभव जी ने उसको बड़ी होशियारी से घुमा दिया। वैभव जी ने बोला कि ये डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट करने वाली गवर्नमेंट है, राजनीति नहीं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं। जहां डेवलपमेंट होता है वहां पे सड़कें बनती रहती हैं, सारी चीजें होती हैं, ये ग्रो करती हैं। एक और है, महंगाई डीग्रो करती है सर, या तो ये बोल दीजिए डेवलपमेंट हो रहा है तो महंगाई में भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके लिए ये फंडा है। डेवलपमेंट के पैरामीटर परिभाषा ये है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए। देश में जीडीपी बढ़ी है नो डाउट, टैक्स कलेक्शन वगैरह बढ़ा हुआ है। अब मुद्दा ये है कि महंगाई को ये लोग बात नहीं कर रहे हैं और एक्चुअल इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग क्लेरिफिकेशन या डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? ऐसा तो है नहीं कि सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती है, मैं नहीं मानता हूं, कोई भी सरकार होती है महंगाई को बढ़ने नहीं देना चाहती है, बेरोजगारी को बढ़ने नहीं देना चाहती है। इसके पहले जो चीजें सस्ती होती थी, देखिए महंगाई को सस्ता करने का, कंट्रोल करने के दो तीन टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। एक तो होती है सब्सिडी और टैक्स वगैरह हटा दीजिए। पिछली सरकारों ने सब्सिडी वगैरह को कंटिन्यू किया था, भले ही पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा रहा हो लेकिन उसका इम्पैक्ट हम लोगों तक नहीं पड़ता था। इसका एक साइड इफेक्ट भी था, साइड इफेक्ट यह था कि जितने हाईवे रक्षा उपकरण ये होने थे सरकार के पास बजट नहीं होता था, इसलिए वो उधर डेवलपमेंट जो है सफर कर रहा था। तो अब सरकार को ऐसा बैलेंस बनाना है कि नेशनल डेवलपमेंट और डिफेंस की जो परियोजनाएं हैं उस पे भी असर न पड़े और आम आदमी भी इतना न पिस जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और हैरान करने वाला मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लोग इससे पीड़ित भी हैं, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं इस चीज को जो है चुनाव में वोट क्यों नहीं दे रही है बीजेपी के आगे? बीजेपी ने ऐसा ऐसी कौन सी भुट्टी पिला दी है कि पब्लिक ने जो है दरकिनार कर दिया, महंगाई के मुद्दे को सुनने को तैयार नहीं है। मैं बताऊं एक मिनट राहुल, आपको क्या लगता है कि क्यों, अगर वाकई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा था, तो फिर भी बीजेपी क्यों जीती? जो एके मिश्रा जी से पूछ रहे हैं क्यों? नहीं देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुद्दा था और मुद्दा था भी, है भी और रहेगा भी। मैंने पहले भी कहा कि देखिए जिस तरह से विपक्ष ये मुद्दा बेअसर क्यों है, मिश्रा साहब देखिए बेअसर इसलिए है, विपक्ष इसको जिस तरह से जिस ढंग से उठाना चाहिए था उस ढंग से नहीं उठा। देखिए आपको जनता विश्वास करती है कि भाई ये मुद्दा का क्या, हम इस एक्स सरकार को चुन रहे हैं तो क्या वहां पे हमें समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिस आक्रामकता के साथ इसे उठाना चाहिए था उस आक्रामकता के साथ नहीं उठाया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि देखिए मैं सुन तो लीजिए, मैं अब सुन तो नहीं, मिश्रा साहब जब सुन लीजिए, आपने कुछ बड़ी अच्छी चीज कही, थोड़ा मैं उसमें कुछ चीजें संशोधन कर रहा हूं, कुछ उसमें जोड़ भी रहा हूं, कुछ आपके बातों को आगे भी बढ़ा रहा हूं। देखिए मैं दो तीन चीज कह रहा हूं कि देश में डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट और महंगाई के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मैं इस बात से मिश्रा साहब की इस बात से मैं सहमत हूं कि डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको महंगाई बढ़ाना पड़ेगा। दो तीन चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सरकार जो है कि महंगाई कंट्रोल करे और अपने रक्षा बजट में कमी कर दे, सड़क ना बनाए। आप अगर आपको मुख्य चीज का जरूरत किस, मिश्रा साहब
कोई रिश्ता नहीं, क्यों होगा एक चीज, मैं एक चीज कह रहा हूँ मिश्रा, सुन तो लीजिए, बस सुन तो लीजिए, जरा सा मैं सुन तो लीजिए, हमेशा अपोजिट चलता है, सुन तो लीजिए मिश्रा जी, मैं उसी बात को, मैं उस बात कम होती है, मैं बिल्कुल सहमत, सुन तो लीजिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ कि सरकार अभी रोना रो रही है हमारे फंड नहीं है, हमें तो टैक्स बुलाना पड़ेगा, हम डीजल पेट्रोल पर टैक्स बुलाएंगे, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, तमाम तरह की चीजों का रोना सरकार रो रही है, क्यों बढ़ रही है, विकास हुआ इतना बता दो, लेकिन वहाँ पे जनता को सर्विसेज भी उस हिसाब से मिल रही है सर, विकास हो रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है मुझे बता दो, वो जनता को सड़क मिल रही है गाड़ी चलाने के लिए, जनता का सबसे बड़ा पेन एरिया था हेल्थ केयर मिल रहा है जनता को, जनता का सबसे बड़ा पेन एरिया था मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ मिश्रा जी, वो सब जनता को मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ विकास हो रहा है सर, मैन्युफैक्चरिंग आज की तारीख में सरकारी अफसर घूस खाने से, देखिए विकास के जितने पैरामीटर है, कुछ पैरामीटर पे नो डाउट सरकार या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार जिस हिसाब से वोट हर तबके से लेती है, हर एरिया से लेती है, विकास का पाई चार्ट बनाइए तो उसमें कई सेगमेंट होते हैं जिसमें रोजगार का भी विकास होना चाहिए, महंगाई में डी ग्रोथ होनी चाहिए, हर तबके को संतुलित करके चलना भी सरकार का एक उत्तरदायित्व तो है, कुछ फील्ड में आप नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम 70 सालों में नहीं हुआ, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जनमानस की जो बात होती है, डे टू डे की बातें होती है, मुझे ये बताइए विकास हो रहा है तो मैंने बोला विकास के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड परिभाषा के हिसाब से जब विकास होता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, चीजों के दाम सस्ते होते हैं, भाई साहब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वैभव जी, वैभव जी बांग्लादेश क्रॉस कर चुका पर कैपिटल इनकम के मामले में, वैभव जी बांग्लादेश क्रॉस कर चुका है, सल्यूट है सर, सल्यूट है, देखिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पैरामीटर्स हैं, अच्छा सर मुझे एक एग्जांपल बताइए जहां चहुमुखी विकास हो रहा है और प्राइसेस बढ़ रही है, मुझे बताइए कोई एक चीज, कोई एक डेवलप्ड कंट्री बताइए, अमेरिका विकसित देश है वहां पे चीजें सस्ती हैं, क्यों है ये सर, रेशियो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि प्रोपोर्शनल है ये समझना है, रेशियो उसी तरह प्रोपोगेट हो सकती है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे घर, आप चारों एक शो करते हैं तिलक भाई मेरे दफ्तर से, अपन चारों लाइव बैठ के, अरे तो आज कर रहे हैं ना, आज बात करिए, गलत हूँ तो गलत हूँ भाई, कुछ मामलों में सरकार बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है, मैं फैन हूं सरकार के विकास के उन कामों का, लेकिन बात अगर यह है कि डेवलपमेंट की डिफिनीशन के हिसाब से, अच्छा ये बताइए अब डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़नी चाहिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, डेवलपमेंट का एक असर यह होता है कि पॉपुलेशन कम होती है, नहीं 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 आप समझे नहीं भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिस देश में 30 देश समाते हो उसको आप कौन से देश के अगेंस्ट में बेंचमार्क करोगे, मतलब ये मतलब 2014 के बाद की थ्योरी, बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट की बात करूं कि यदि 2013-14 में 12 एम्स थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और आज 29 हैं, तो क्या वो खाली चल रहे हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं हुआ है, क्या क्या 2013 में 12 में ओला में कितने ड्राइवर थे, आज कितनी गाड़ियां सड़क पे चल रही है, क्या अरे सर ओला में नौकरी करना एक पैरामीटर नहीं है, अरे भैया ओला वाला मेट्रो शहर में चलती है, मैंने वैभव जी जनता की बात करिए ना, पूरे देश की बात करिए, ओला वालों की कितनी गाड़ियां बिकी है, ओला उबर वालों की भी गाड़ियां बिक गई है, बैंक वाले उठा के ले गए उनकी गाड़ियों को, एक मिनट वैभव जी, मिश्रा भाई सब ने बिल्कुल ठीक बोला, वैभव जी